मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान और सभी दलों द्वारा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद चुनावी माहौल में तेजी आ गई है। आज जनता की बात में हम चुनाव के इसी माहौल को लेकर लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि लोगों की चुनाव और प्रत्याशियों को लेकर किस प्रकार की मानसिकता है। तो आइए देखते हैं संवाददाता दिनेश दसुंदी के साथ हमारा खास कार्यक्रम जनता की बात दिनेश के साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनेश दसुंदी, आप देख रहे हैं W24 न्यूज मध्य प्रदेश। एक बार फिर हाजिर हूं जनता की बात कार्यक्रम के साथ। जनता की बात कार्यक्रम में लगातार हमने राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की, जनता के आम जनता के उन सवालों को जानने का प्रयास किया और उन सवालों को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। आज जनता की बात में हम खरगोन विधानसभा को लेकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जमीन पर जाएगी, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करें, जनता की बात की शुरुआत करें, उसके पहले मैं एक खरगोन विधानसभा को लेकर उनके प्रत्याशी को लेकर छोटा सा विश्लेषण आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम बात करें खरगोन विधानसभा की, तो खरगोन विधानसभा में भाजपा की ओर से बालकृष्ण पाटीदार प्रत्याशी तय किए गए हैं, तो कांग्रेस की ओर से रवि जोशी चुनावी मैदान में हैं, यानी बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी के बीच चुनावी जंग छिड़ चुकी है। हम बात करें खरगोन विधानसभा की, तो खरगोन विधानसभा इसलिए भी अहम हो जाता है कि यहाँ खरगोन शहर का मतदाता यानी खरगोन जिला मुख्यालय का मतदाता मतदान करता है। और पिछले चुनावों के समीकरणों को हम यदि उठाकर देखें तो खरगोन एक तरफ ग्रामीण मतदाता और एक तरफ खरगोन विधानसभा का शहरी मतदाता, जो शहरी मतदाता है वो चुनाव में उलटफेर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया है। कई बार ऐसा अक्सर हुआ है कि खरगोन शहर के मतदाता ने उलटफेर किया है। हम बात करें बालकृष्ण पाटीदार के राजनीतिक करियर की, तो बालकृष्ण पाटीदार ओबीसी चेहरा होकर, पाटीदार ओबीसी चेहरा होकर प्रदेश स्तर पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। शिवराज सरकार के दौरान ये श्रम एवं कृषि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं तथा प्रदेश स्तर पर राजनीतिक पहचान रखते हैं। वहीं बात करें रवि जोशी की, तो रवि जोशी भी संगठन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, अब जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अपनी गहरी पेट के लिए जाने जाते हैं। साथ ही समय समय पर संगठन ने प्रदेश स्तर पर इन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी जिन्होंने बखूबी निभाया है। एक तरीके से इन दोनों प्रत्याशियों का राजनीतिक करियर बहुत अच्छा माना गया है, बहुत अच्छा है। और हम बात करें खरगोन विधानसभा की, तो खरगोन विधानसभा का एक सबसे बड़ा सहयोग ये भी रहा है कि एक ऐसे सहयोगी कह सकते हैं कि खरगोन विधानसभा में जो भी पार्टी जीत हासिल करती रही मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनती रही, एक सहयोग रहा है, एक सहयोग के तौर पे ही इसको देख सकते हैं। हालांकि चुनाव में अब जो कुछ भी होना है 17 नवंबर को तय होगा, लेकिन एक सहयोग को हम देखें तो मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा सहयोग खरगोन विधानसभा का ये रहा कि खरगोन विधानसभा में जिस भी पार्टी की जीत हुई है, इन्हें कांग्रेस यदि जीती है तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, और खरगोन विधानसभा पर यदि भारतीय जनता पार्टी जीती है तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सहयोगवश 1977 में पहली बार खरगोन में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक भारतीय जनता पार्टी का जीता था और प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बनी थी, कैलाश जोशी पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। ये एक सहयोग चला आ रहा है 1977 से। लगातार हम राजनीतिक समीकरणों को, राजनीतिक गणनाओं को उठाएं और देखें तो इस तरह का सहयोग चला आ रहा है और ये सहयोग एक सहयोग ही कहा जा सकता है। हालांकि 17 नवंबर को ये सहयोग ठीक होता है या गलत होता है, 17 नवंबर को ईवीएम में कैद हो जाएगा, 3 दिसंबर को इस तरह का फैसला भी हो जाएगा। बात करें हम खरगोन विधानसभा की, तो खरगोन विधानसभा में जैसे ही टिकट तय हुआ है, टिकट तय होने में भी बड़ी बीजेपी की तरफ से थोड़ा वो भी रहा है, असमंजस की स्थितियां भी रहीं, लेकिन जैसे ही टिकट तय हुआ तो दोनों ही प्रत्याशी जनसंपर्क में लग चुके हैं, जनसंपर्क में जुट चुके हैं। बात करें इनके जनसंपर्क में जाने की और घोषणाओं की, तो भारतीय जनता पार्टी कई कार्यों को लेकर के पहले ही अपने कई कार्य, जैसे लाडली बहना योजना है, गैस टंकी को लेकर के योजना, लाडली बहना आवास योजना, ऐसी कई योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने काम दिखा चुकी है और इन्हीं कामों को लेकर जनसंपर्क किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने वचनों को लेकर, उन वचनों को लेकर उनका कहना है कि नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये देंगे और गैस टंकी को 500 रुपये में करेंगे, ऐसे कई वचनों के साथ बिजली बिल को माफ़ करेंगे, इस तरह के कई वचनों के साथ जा रही है। यानी दोनों प्रत्याशी जमीन पर अब उतर चुके हैं। जनता किस पर विश्वास करती है, जनता किसको वोट देती है, ये 17 नवंबर को तय होगा। 17 नवंबर को जनता किस पर विश्वास करती है, रवि जोशी को जिताती है या बालकृष्ण पाटीदार को जिताती है, ये
जनता करेगी, और जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास करती है, कांग्रेस के वचन पत्र पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कह रही है कि वे अपने वादों के साथ जमीन पर उतर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि वे वचन पत्र के साथ जमीन पर उतर रहे हैं। कई तरह की द्वंद्व छिड़ा हुआ है राजनीतिक द्वंद्व में। जनता किस पर विश्वास करेगी 17 नवंबर को तय हो जाएगा, और 17 नवंबर को ये पूरे डिसीजन ईवीएम में कैद हो जाएंगे। हम आज जनता की बात में इन्हीं मुद्दों को लेकर के, इन्हीं बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूँ उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यह चर्चा एक व्यक्तिगत चर्चा है, और ये चर्चा केवल चर्चा मात्र है। हम किसी भी यहाँ किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं और किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। यानी यहाँ जो भी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं वे व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे हमारा चैनल कोई इत्तफाक नहीं रखता है। हम यहाँ किसी राजनीतिक दल, पार्टी, जाति, वर्ग, संगठन और किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करते। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं जनता की बात के साथ। जनता की बात में हम उन गाँव और उन गांव के आसपास के एरिए में लोगों की राय जान रहे, चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। अभी हम पहुंच चुके इंदिरा नगर है, नदी पार। नदी पार में मेरे साथ महिलाएं जुड़ रही, क्या नाम आपका? रूपा भाई। रूपा भाई, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या समस्याएं आपके यहाँ, आपके यहाँ काम है? सरकार हमको कांग्रेस की बनाना है, ये सरकार हमको बिल्कुल नहीं जम रही। सरकार आपको कांग्रेस की बनाना है, कांग्रेस की सरकार बनाओगे? आपके इधर काम हुए हैं, शिवराज सिंह ने काम कुछ करवाए? हमारा कुछ नहीं काम हो रहा है। खूटी में दो दो बार का नाम आ रहा है, वो खूटी भी दे पानी रहे, और नल का नर्मदा की लाइन आ रही है, वो नर्मदा लाइन हमारे यहाँ नहीं दे रहे, हमको कुएं का गंदा पानी पिला रहे। अच्छा, कुएं का अगर गंदा पानी आता है, आपकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, एक अपने यहाँ खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार और रवि जोशी हैं, तो आप किसको वजन, किसका वजन मानते हैं, किसको वोट देंगे आप, क्या लगता है आपको? हम तो रामकरण उसको देंगे, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को मतदान करोगे आप? क्या समस्या है आपकी यहाँ, क्या किस तरह की समस्या है? हमारी तो हर तरह की समस्या है, कोई समस्या कोई हल नहीं कर रहा हमारी, कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही। गरीबों को दे रहे हैं, और दो दो तीन तीन बच्चे, चार चार बच्चे सब अलग रहते हैं, वो मकान भी सब दे रहे हैं, पतरे के मकान है, कोई खुटी उटी हमको देते हैं, चार चार पाँच पाँच करके नाम आ गए, कोई खुटी हमको, कोई सुनवाई नहीं करती नहीं हमारी सरकार। अच्छा, आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है? कहीं नहीं लाभ मिला मेरे को, तो महीने के पैसे अभी तक नहीं मिले। भाई को चार चार पाँच चार महीने पैसे मिल गए, मेरे को पैसे अभी तक नहीं मिले। चार चक्कर को फार्म भर चुकी मैंने, चार बार आपने फार्म भरा लाडली योजना के पैसे, लाडली योजना में भरा है, पर पैसे कहीं नहीं मिला नहीं मेरे को। 1000 रुपए आपको नहीं मिलते? नहीं मिले अभी तक, नहीं मिले। अच्छा, दूसरी महिलाओं को मिलते हैं, आपको नहीं मिले? दूसरी महिलाओं को सब मिले, मैंने चार चक्कर का फार्म भरा, मेरे को अभी तक 1 लाख भी नहीं मिला। अच्छा, आपके यहाँ नदी पार में क्या क्या समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आप परेशान लगते हैं, क्या परेशानियाँ हैं? परेशान तो हमको यहाँ गंदा पानी है ना, यहाँ के मसान के पीते और पानी और नर्मदा को लेते, नर्मदा पानी हमको दिला अभी तक दिला नहीं है, देंगे देंगे ऐसा क्या कर देता ही नहीं हमको। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुशैला भाई। नदी पार के इलाके में लोगों की कई तरह की समस्याएं हैं, हमारे साथ यहाँ के एक रहवासी जुड़े, क्या नाम है आपका? हाँ, फिरोज मोहम्मद। फिरोज मोहम्मद, क्या समस्याएं आपकी, क्या लगती है यहाँ, समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है भैया कि हमारे सफ़ेद बाल हो गए हैं, यानी जवानी से लेके हमारा बुढ़ापा निकल गया, आज तक ना तो हम मतलब सफाई कर्मचारी है, वो भी ठेके में मजदूरी में काम करते हैं, ठेके में भी नहीं है, मजदूरी में काम करते हैं, तो ना तो हमको राशन मिलता है, ना अनाज मिलता है, ना गरीबी रेखा का कूपन बना हुआ है, ना हमारी चिट्ठियों की पर्ची लगे, कहीं आवेदन भी कर दिया और कहीं हमने पंचायत के जूते भी फाड़ दिए हमने चल फिर के, क्या बाकी कोई सुनवाई नहीं। शिवराज सिंह जी कहते हैं कि बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं, आपको क्या लगता है शिवराज सिंह के कार्य से संतुष्ट हैं आप? शिवराज जी के कार्य से संतुष्ट तो बहुत है, और बहुत सारी महिलाओं को लाडली बहना योजनाएं चलाई है, सब अच्छी बात है, बाकी जो अंदरूनी बात है जिनके हालात देखे जाए है ना, और जिनकी समस्या सुनी जाए, उनकी समस्या दरगुजर हो जाती है। सवाल यह है कि दूसरों का काम तो बिल्कुल बराबर हो रहे हैं, बाकी जिनको आवश्यकताएं हैं, जिनको चाहिए, उनको कुछ भी नहीं है। अभी मेरे को ये बताओ कि मेरे परिवार में मेरे पापा शांत हो गए, मेरी मदर बुढ़ापे में है, ठीक है, उसके बाद भी राशन हमको 1 रुपये का नहीं मिलता। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस या बीजेपी? सरकार तो शिवराज मामा की बनने वाली है। शिवराज के काम से आप संतुष्ट भी है, एक तरफ नाराजी भी बताते हैं। नाराजी ये है कि मतलब हम इतने चक्कर के आवेदन कर चुके हैं, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ना अनाज की पर्ची लगती, ना हमको अनाज मिलता है, मतलब पंचायत से जो भी समस्या हमारी थी पूर्व में, इसके पूर्व में भी हम सफाई का काम कर चुके, उसके बाद भी गरीबी रेखा में नहीं आ रहे। इतनी नाराजगी के बाद भी आप मतदान शिवराज के पक्ष में ही करेंगे? हाँ, वो तो उनके देना है, चाहे वो हमको जिताए, वो चाहे हमारी समस्या सुने या नहीं सुने, आपकी समस्या सुने या ना सुने। खरगोन में क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी?
खरगोन में भी बीजेपी सरकार बनेगी, उसमें बीजेपी जीतेगी। पिछली बार रवि जोशी कांग्रेस से जीते थे, इस बार क्या लगता है बालकृष्ण बाजीराव जीत हासिल करेंगे? हाँ कर सकते दादाजी, कर सकते। यहाँ पे और महिलाएं जुड़ रही, क्या समस्या है आपकी, क्या किस तरह की यहाँ समस्या है? यहाँ पे कुछ महिलाएं अपनी समस्याएं बता दें, क्या समस्या है आपकी? पानी खराब पानी पी रहा है। अच्छा, ये संतान घाट पर कुआ खोदे जो ना पानी दे रहा है हमको। अच्छा, नदी को पानी भरे जाए वो मेलो पानी। अच्छा, तो बापरना को कर रहा हेडपम्प को पानी पी रहा लाइन। तो फिर आप पीने के पानी की क्या व्यवस्था करते, कैसी व्यवस्था होती है, आप पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तो गांव में उन्हें डेरा बस एक किलोमीटर दूर जा रहा है, एक किलोमीटर से लेके आते हूँ पानी। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी, कमल का फूल या हाथ का पंजा? तब वो जो अपन को पैसा दे रहा हो जिता रहा है। पैसा कौन दे रहा है आपको? शिवराज मामा लाडली बहना का 1000 रुपए दे रहे हैं, आप उसको जिताओगे? कमलनाथ कह रहे हैं 1500 रुपए देंगे। 1500 हमको चाहिए नहीं है। 1500 आपको नहीं चाहिए, 1000 में संतुष्ट है। पानी हमको अच्छा चाहिए, पानी आपको अच्छा चाहिए, सबसे बड़ी समस्या है। आपने कभी आपके क्षेत्रीय विधायक के सामने समस्या रखी है कभी? रवि जोशी यहाँ कोई आया है तो आपने अपनी समस्या रखी रवि जोशी के सामने? 15 बार बोल दिया, 15 बार रवि जोशी जी को बोला, रवि जोशी जी ने आपकी समस्या का समाधान नहीं किया? नहीं किया। इंदिरानगर रहवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, वर्षों से ये समस्या रही है और समस्या के निराकरण के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया। सबसे बड़ी यह समस्या है कि यहाँ पीने के पानी की समस्या रहती है। लगभग 100% मतलब 100% यहाँ मजदूर परिवार निवास करते हैं, लगभग 1000 के लगभग 750-1000 परिवार हैं और जिनमें 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं। सभी मजदूर परिवारों ने यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पीने के पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई है और पिछले दिनों हमारे ऊन को नर्मदा का जल मिला है, पिपरी उद्वन से नर्मदा का पानी मिला, किंतु इन लोगों का ये कहना, इन लोगों का आरोप ये है कि उनको नर्मदा का पानी नहीं मिल रहा है और जो नाले के पास कुआ है वो पानी इनको दिया जाता है, पीने के उपयोग में नहीं लेते, केवल कपड़े धोने इत्यादि के उपयोग में लेते हैं। पीने के पानी के लिए इन लोगों को 1 किलोमीटर महालक्ष्मी या आसपास के हैंडपंपों पर जाना पड़ता है। यहाँ मौजूद है पाटीदार मोहल्ले के अंदर एक दादा हमारे साथ, क्या नाम है आपका? डगलू भाई। पाटीदार आओ, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, कौन जीतेगा, कमल का फूल या हाथ का पंजा? अरे यार ये तो अभी तो नहीं कह सकता, समय आवे ना कब रखे जाइए बताइए। समय के हिसाब से मतदान करोगे? अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार रही, कैसा क्या कार्यकाल रहा, कैसा क्या काम किया शिवराज सिंह ने, काम अच्छा किया? हाँ, शिवराज सिंह ने काम अच्छे किए क्या? हाँ शिवराज सिंह ने काम अच्छे किए। आप शिवराज सिंह के काम से संतुष्ट हो? हाँ। खरगोन में किसकी जीत होगी, हाथ के पंजे की या कमल के फूल की? एका मान्या हूँ, एका में तो गुटका चा। हाँ। पर मगर शासन में हाँ झूठो भी नहीं बोलो। हाँ अभी शासन में अच्छी चल रही, अच्छी चल रही शिवराज। हाँ। की सरकार अच्छी चली रही। हाँ अच्छा, शिवराज का अच्छा काम, कई कई काम अच्छा थे तुम्हारी नज़र में, शिवराज ने कई कई काम अच्छा करे? पर बच्चे वाले कह रहे कांग्रेस वाले कहना आए, जनता वाले कहना आए, तो खिचड़ी हुई जाओ, बस खिचड़ी हुई। हम उनके लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में इनका क्या हिसाब रहेगा, किस व्यक्ति को ये मतदान करेंगे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? लखन पगारे। इस बार क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी, बराबर बीजेपी की सरकार बनेगी, बिल्कुल। आप यहाँ रहते हो, यहाँ इंदिरानगर में कई तरह की समस्याएं, कोई समस्या आपके इधर काम हुए हैं, सरकार ने काम किए? लगभग तो सब हो चुके, बाकी ये मेन काम एक रोड का रहेगा है, जैसे अपने रोड से लगा के खेड़ापति हनुमान तक का वो रोड बनाने का, तो हालांकि सर्वे हो चुकी, बाकी सरकारी काम में लेट नसीब होगा। अच्छा, आप शिवराज सिंह के कार्य से संतुष्ट हैं? अच्छे खासे संतुष्ट हैं, बिल्कुल। शिवराज सिंह के एक दो काम गिना दीजिए जो आज इससे जो आपको अच्छे लगे हों। भैया उनके काम तो अनगिने, तो एक काम ही मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने लेडीज़ों के लिए भी बहुत कुछ करा, बिना पैसे से अनाज खिलाया पूरा लॉकडाउन में, माता बहनों के लिए बहुत सारी सहयोगी करी है, गाड़ियाँ आ रही है, एम्बुलेंस घर से ले जाती, लेडीज़ों को घर तक छोड़ के आती, यानी बहुत सारे काम है जो मेरे को याद नहीं, इतने काम करें उनकी राज में।
तो इस बार आपको लगता है शिवराज फिर से सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बराबर। कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी चल रही कि शिवराज सिंह को इस बार हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखो एक बात की बात है, अगर किसी और को बनाए वो भी तय, बाकी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। खरगोन में रवि जोशी और बालकृष्ण पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी से बालकृष्ण पाटीदार, बिल्कुल कांग्रेस से रवि जोशी, कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी? बालकृष्ण पाटीदार, पूरी उम्मीद है हमको बालकृष्ण पाटीदार। पिछली बार हार गए थे, इस बार जीत जाएंगे, ऐसा क्या क्यों लगता है आपको? ये चक्कर ऐसा लग रहा हमको कि अगली चक्कर मुगालदे में थे, बाकी ये मुगालदे चक्कर हमको गायब करना है। लापरवाही कुछ हमारी रह गई, हमारे कार्यकर्ताओं की रह गई और बीजेपी की भी रह गई, उसके वजह से ये नौबत आई। अच्छा। क्या नाम लिखते हैं? लखन पगारे। हम लगातार लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम यहाँ एक मुसाफिर इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वर गिरी। ईश्वर गिरी, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने ऐसे कौन से काम अच्छे किए हैं जो जिससे आप संतुष्ट हैं? सब धर्मशाला है, डी है, सब कुछ करा है उन्होंने, क्या नहीं करा है बता। अच्छा, तो आपको लगता है इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। एक दो काम गिनवा दीजिए शिवराज सिंह ने जो अच्छे काम किए, जो आपको अच्छे लगते हो। सभी गरीबों के आज पक्के मकान मिल रहे हैं देखने को, नहीं तो बेचारों की झोपड़ियाँ नहीं थी। कई लोगों का आपके इंदिरा नगर में ये आरोप भी है कि कई लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला, लोगों को तीन तीन चार चार बार कुटीर मिल गया लेकिन कई लोगों का आवास नहीं मिला, तो ये विसंगति भी तो आपके शासनकाल के दौरान रही, भारतीय जनता पार्टी के शासन में रही है। हाँ, तो वो जो आप सीरियल से दे रही है वो देगी, उसका जिसका नाम आएगा ना, पहले ही तुमने दोनों तीन तीन दे रखी है तो आप कहाँ से दिया करेंगे? अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी? बनेगी। खरगोन में कौन जीतेगा, क्या लगता है आपको? पाटीदार जी जीतेंगे। पाटीदार जी जीतेंगे। पाटीदार जी पूर्व में आपके यहाँ विधायक रह चुके हैं, ऐसे कौन से काम किए बालकृष्ण पाटीदार जी? उन्होंने गाँव गाँव हर समाज को हर आदमी को उन्होंने धर्मशालाएं दी है और बहुत अच्छे काम करे उन्होंने। अच्छे काम। जनता की बात में आज हम आम जनता की राय जानने के लिए निकले, हम मोहल्ले मौजूद हैं पाटीदार मोहल्ले के अंदर और हमारे साथ यहाँ एक व्यक्ति जुड़े हैं, यहाँ के रहवासी जुड़े हैं। क्या नाम आपका? मांगेलाल। मांगेलाल जी, क्या लगता है इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। ऐसे कौन से काम किए शिवराज सिंह ने जो उनकी सरकार बनेगी? शिवराज सिंह ने तो बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, एक दो काम गिना दीजिए उनके। ये बहना उनको पैसे दे रहे हैं, बहुत सारे पैसे हैं ऐसे तो दिए उन्होंने। अच्छा, खरगोन विधानसभा में क्या लगता है इस बार कांग्रेस जीतेगी या भाजपा? नहीं, बाल वो बाल बालकृष्ण पटेल, बालकृष्ण भाजपा जीतेगी। हाँ, भाजपा। इनका कहना है कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जीतेंगे और खरगोन में भाजपा की जीत होगी। लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मांगेलाल। मांगेलाल जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये अपनी फूल वाली। फूल वाली सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। क्या लगता है शिवराज सिंह एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे। खरगोन में कौन रहेगा, किसका, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा रहेगी। भाजपा ने से कौन से काम किया, आपके इधर काम हुआ है? सब काम करा ले। आपके इधर क्या काम हुआ है? सब रोड ना, सड़क ना, गली नंबर ना, सब एक नंबर काम करे। एक नंबर काम किया है। मैं चाहता हूँ कि मतलब हम लगातार लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक और यहाँ पाटीदार मोहल्ले के अंदर भी जुड़े, क्या नाम आपका? प्रेमचंद पाटीदार। प्रेमचंद पाटीदार, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों? अभी ये तो ठीक से है क्योंकि पब्लिक परेशान हो गई है, क्योंकि ये 15 साल में मतलब शिवराज सिंह सरकार से परेशान हो गई है। परेशान हो गए लोग? हाँ। ऐसी क्या परेशानी हो गई शिवराज सिंह सरकार से? अरे ये तो बहुत सारी परेशानियाँ है, अब एक एक परेशानी तो मैं गिना नहीं सकता, लेकिन ये बात सही है कि मतलब पब्लिक परेशान हो गई है। गवर्नमेंट को, किसानों को मतलब कोई सही उनके फसलों का कोई मुआवजा नहीं मिलता है, बाकी उनको सीधे वो कोई काम नहीं हो रहे हैं, और आज की तारीख में शिवराज सिंह सुनने को तैयार नहीं है कि मतलब कोई काम करे वो कोई जनता का। अच्छा, आपको लगता है शिवराज सिंह काम नहीं कर रहे, जनता का काम नहीं हो रहा है, इस बार खरगोन में क्या रहेगा, भाजपा या कांग्रेस? इस बार देखो, अब ये तो कांटे की टक्कर है, सेठ भी है और रवि जोशी भी है,
लेकिन अब ये तो मतदाता के ऊपर है, मतदाता के ऊपर है, मतलब खरगोन को लेकर असमंजस की स्थितियां हैं, कुछ कह नहीं सकते। बाकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी ये निश्चित है, लेकिन मैं खरगोन विधानसभा का ये नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। हाँ, यहाँ कांटे की टक्कर है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन खरगोन में अभी असमंजस की स्थितियां हैं, जो कुछ भी तय करेंगे मतदाता तय करेंगे। हमारे साथ पाटीदार मोहल्ले में एक छात्रा जुड़ रही है, क्या नाम है आपका? नंदिनी पाटीदार। नंदिनी पाटीदार, अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, आप मतदान करते हैं? हाँ। आपका नाम आता है मतदान में? हाँ, आप मतदान करते हैं, इस बार कैसा विधायक चाहिए आपको, कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक कैसा भी हो पर वो शिक्षा के प्रति हमारे लिए योगदान प्रदान करे और हमें शिक्षा में आगे ले जाए। वो नेता कैसा भी हो पर हमें पढ़ाई करने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, तो हम ये चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो हमें हमारे ज़िले में ही प्रदान की जाए, हमें दूसरों उधर स्टेट में नहीं जाना पड़े। और ख़ासकर एग्रीकल्चर फील्ड वाले लोग बाहर ही पढ़ते हैं क्योंकि वो उनके लिए यहाँ पे कॉलेजेस उपलब्ध नहीं हैं, और बायो वाले कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए भी उधर स्टेट में जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के प्रति थोड़ा सा ध्यान दे, और कोई भी हो प्रतिनिधि कोई भी हो पर वो शिक्षा पे केंद्र अपना बिंदु बनाए, शिक्षा को केंद्रित बनाए। अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, मामा के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? मैं ये कुछ नहीं कहना चाहती पर मुझे ऐसा लगता है कि खरगोन जिला बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है खरगोन जिला, पिछड़ा हुआ। हाँ। खरगोन में क्या क्या कमियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हो जाना चाहिए आपके विचार से? कॉलेजेस अच्छे हो जाना चाहिए, स्कूल में व्यवस्था भी अच्छी होना चाहिए जिससे मतलब बच्चों को रुचि हो पढ़ने में। यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जिससे बच्चों को पढ़ने में रुचि आए। खरगोन में खासतौर पे मेडिकल कॉलेज को लेकर के हमेशा मांग उठती रही है। हाँ। आपको क्या लगता है कि खरगोन में वास्तविक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है? हाँ है। पाटीदार मोहल्ले में ही हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़ रहे हैं, क्या नाम आपका? शांतिलाल पाटीदार। शांतिलाल जी, क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन बाजी मारेगा? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी, ऐसा क्यों, क्या लगता है बीजेपी एक बार फिर से मतलब लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, ऐसा क्यों, क्या लगता है, क्या काम किए बीजेपी ने? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बहुत सी योजनाएं चल रही है, जैसे लाडली बहना है, गैस सिलेंडर है, ऐसे बहुत से काम है, उसको हम गिना नहीं सकते हैं, तो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। खरगोन में क्या रहेगा, क्या लगता है आपको खरगोन में किसका पलड़ा भारी रहेगा? रवि जोशी, बालकृष्ण पाटीदार जीतेंगे। बालकृष्ण पाटीदार पिछली बार चुनाव हारे थे, सबसे बड़ा मुद्दा रहा था किसान कर्ज माफी, इस बार भी कांग्रेस कह रही कर्ज माफी करेगी, आपको क्या लगता है इस मुद्दे का प्रभाव चुनाव के ऊपर दिखेगा? नहीं, चुनाव में वो कर्ज माफी में क्या है, लोगों को विश्वास, उनको एक बार भाई विश्वास आदमी करेगा, डबल कौन विश्वास करेगा। अच्छा, इसलिए कर्ज माफी कोई मतलब नहीं, कर्ज माफी से कोई मतलब, आप एक किसान हो, आप किसानों के लिए कांग्रेस कह रही कि एक बार फिर से 2 लाख का पूरा कर्जा माफ करेगी, आपको क्या लगता है कि क्या मतदान किया जाना चाहिए कांग्रेस के पक्ष में? नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार रही और अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, दोनों से आप संतुष्ट, कौन से सरकार से संतुष्ट है, भाजपा या कांग्रेस? हम बीजेपी से संतुष्ट है, बीजेपी से संतुष्ट। हम एक मकान में पहुंचे, क्या नाम आपका? रणछोड़ पाटीदार। दादा, क्या लगता है इस बार चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, ऐसे कौन से काम किए बीजेपी ने जो बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी फिर से लगातार दोहराती जाएगी? वो अच्छा काम करती है इसलिए वो डबल में भी आएगी। मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार है, आप शिवराज के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। ऐसे एक दो काम गिना दीजिए शिवराज सिंह के, जो आपको आपको बहुत अच्छे लगे हो शिवराज सिंह के। वो अच्छे काम करते रहते हैं इसलिए अच्छे रहते हैं, अच्छा रहता है। हाँ। खरगोन में क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी, खरगोन विधानसभा में कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। खरगोन में कांग्रेस की जीत रहेगी? हाँ। रवि जोशी जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। अच्छा, बाहर बाजी मोहल्ले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम आपका? मनोहर वर्मा। मनोहर जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा?
इस बार भी वही बनेगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह की, शिवराज सिंह आपके इधर काम हुए हैं? शिवराज सिंह ने काम किए? हाँ काम किए हैं, पैसे दे रहा है वो, गरीबों को अनाज दे रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। गरीबों को अनाज दे रहा है, पैसे दे रहा है। एक दो काम गिना दीजिए शिवराज सिंह जी के अच्छे जो काम आपको लगे हों। काम तो वैसे सभी अच्छे हैं क्या? अच्छा, सभी का काम करवाया इन्होंने। अच्छा, रोड के भी काम अच्छे चले हैं। अच्छा, खरगोन में क्या लगता है, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी? खरगोन में भी बीजेपी आएगी, बीजेपी जीतेगी। खरगोन से दो प्रत्याशी है, कांग्रेस से रवि जोशी और बीजेपी से बालकृष्ण पाटीदार, क्या लगता है कौन जीतेगा? वैसे तो बीजेपी के दिख रहे कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट दिख रहा है। बालकृष्ण पाटीदार पूर्व में विधायक रह चुके हैं, आपके इधर कुछ काम किए उन्होंने कुछ, आपको आपके समाज को या आपके समाज में भी काम हुआ है? काम के लिए उन्होंने पैसे भी दिए समाज के लिए। अच्छा, और समाज में मंदिरों पे भी और धर्मशालाओं पे भी अच्छा दे ही रखे हैं। एक कुमार समाज के हैं, क्या नाम है आपके दादा आपका? कौन बड़ी उन, क्या नाम है? हीरालाल। हीरालाल जी, जी सरकार अभी फिलहाल बीजेपी की है, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? नहीं कहीं नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला? कहीं नहीं लाभ मिला, कुछ भी लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। आपको क्या लगता है इस बार शिवराज फिर से सरकार बनाएगा? नहीं ये नहीं कह सकते, अब किसके आ जाइए तो कहीं बोल नहीं सकते अपन। अच्छा, तो आपको स्पष्ट नहीं है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी? नहीं, कोई दोनों में से कोई नहीं कह सकता। अच्छा, अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है जी, खरगोन में बालकृष्ण पाटीदार है और रवि जोशी, क्या लगता है कौन जीतेगा? नहीं मैं कोई नहीं बोल सकता इसके बारे में। अच्छा, आप कुछ भी नहीं अभी कह सकते? आप मतदान करोगे, क्या देख के मतदान करोगे, आदमी में क्या खासियत देखोगे, क्या देखोगे? देखो समय पे आने पर, अभी नहीं कुछ कह सकता, समय पे आने पर मतदान करोगे। अच्छा, आप कह रहे हो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, किस तरह की योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिल पाया? कहीं नहीं, ये काम करते चले आ रहे हैं, पुराने से काम करते चले आ रहे हैं, तो कर रहे हैं। अच्छा, कोई लाभ नहीं कही है, हानि। अच्छा, ये इनके यहाँ महिला भी कुछ बोल रही है, क्या किस तरह का लाभ नहीं मिल पाया आपको? ये कुटीर मिलती सब लोग, दो काम मिलेगी ना, हमको काम भी नहीं मिली। अच्छा, कुटीर का लाभ आपको नहीं मिला है, ये सबसे बड़ी आपकी समस्या है। तो आप शिवराज सिंह को वोट करेंगे नहीं करेंगे, ये नहीं कह सकते भाई, ये होता है आओगे समय पर कराएंगे, समय पर आओ जो भी होगा देखेंगे। बाकी आपको सरकारी योजना का अभी तक कोई लाभ नहीं मिला? मकान का अभी तक नहीं, लोग दो काग मिलेगी ना। अच्छा, हमको ये काग नहीं कुटीर मिली ना, एक बार भी कुटीर नहीं मिली। अभी शिवराज सिंह लाडली बहना योजना चल रहे, आपको 1000 रुपये महीना मिलता है? नहीं मिलता है। आपके परिवार में किसी को, बहु को मिल रहा है, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो सरकार से? संतुष्ट सरकार से होगा, ये हमारा 400 रुपये का 600 रुपये पेंशन मिला है, 400 बढ़ाना कोई बढ़िया था ही नहीं। आपकी 600 की पेंशन में 400 रुपए अभी तक बढ़े नहीं है, आपकी नाराजगी इसको लेकर भी है? नहीं नाराजगी की बात नहीं है, पर कमान किया भाई कुटी ने भी, हमको भी मिलना चाहिए, सबको मिलना, गरीब मनोज ना कभी। क्या नाम है आपका? कमला भाई। हम बाजार में मौजूद है, हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े, क्या नाम आपका? अजय पाटीदार। अजय पाटीदार, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है? लोग तो कहीं कह रहे हैं और बीजेपी तो दावा कर रही है कि एक बार फिर से शिवराज सिंह सरकार बनाएंगे। देखो जो दावा करना तो सभी का काम है, लेकिन पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस बार खरगोन में क्या रहेगा, किसकी जीत होगी, रवि जोशी या बालकृष्ण पाटीदार? अब ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी रवि जोशी की जीत रहेगी। रवि जोशी की जीत रहेगी। कांग्रेस ने 18 महीने सरकार चलाई, आप कांग्रेस के कार्यकाल से संतुष्ट थे? बिल्कुल संतुष्ट थे। कांग्रेस ने कर्ज माफी का 10 दिनों में कर्ज माफी का वादा किया था, कांग्रेस अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए 15 महीने की सरकार थी और 15 महीने में कांग्रेस ने 26 लाख किसानों को 11,600 करोड़ कर्ज माफ किया है, और 15 महीने की सरकार के बाद भी अगर सरकार रहती तो पूरे प्रदेश में कर्ज माफ कर। इस बार भी कांग्रेस कह रही कर्ज माफी करने का, क्या लोग किसान लोग एक बार फिर से इस वादे पर विश्वास करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे विश्वास, कांग्रेस पर विश्वास करेंगे। शिवराज सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में रही, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के कार्यों की भाजपा ये कहती है कि शिवराज सिंह ने विकास की गंगा बही, क्या कहेंगे इसको? शिवराज सिंह ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं किया है, व्यापम घोटाला, पटवारी भर्ती में भी घोटाला किया है, सभी घोटाले शिवराज सिंह ने ही किए और भ्रष्टाचार भी बहुत घेरा है। आज हमने ऊन के गांव के अंदर के हिस्से में और आसपास के बाहरी हिस्से में जाकर लोगों की राय जानी, लोगों का इस चुनाव को लेकर क्या कहना है, किसके पक्ष में उन्होंने मतदान करना है,
किसको ज़्यादा पसंद करते हैं ये जानने का प्रयास किया जनता की बात में। आज इतना ही, आगे फिर एक ऐसी रिपोर्ट, ऐसी चर्चा और जनता की बात के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। मेरे कैमरा सहयोगी दुर्गेश कुमार के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और खबरें अभी बाकी है, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए SW24 न्यूज़ मध्य प्रदेश। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।